नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर कसा तंज। कमलनाथ को कहा बंगाल का जादूगर। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों में प्रत्याशियों का प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। सभी प्रमुख दल अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं तथा जगह जगह स्टार प्रचारकों के द्वारा सभा की जा रही है। इसी क्रम में आज सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुर्खी विधानसभा के राहटगढ़ में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपन तो धूल में पैदा हुए, गांव में खेले, गांव की मिट्टी में खेले। इसके साथ ही कमलनाथ पर शिवराज ने तंज कसते हुए कहा अपना नरा जेत में गड़ा। कमलनाथ बता दे उनका नरा कहाँ गड़ा है। बंगाल का जादूगर कमाल का है, मुझे नंगा भूखा नालायक कहा, मेरे लिए कहा जेब में नारियल लेकर घूमता है। शिवराज ने कहा नारियल नहीं तो क्या शैंपेन की बोतल लेके घूमूं। शिवराज ने कहा कमलनाथ को सलमान, शाहरुख, कैटरीना याद आते हैं, गांव का किसान नहीं। हाँ, हम नंगे भूखे हैं, हमने जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं। कमलनाथ, हम इसी धरती पर पैदा हुए हैं, हमारी राख भी यहीं बिखरेगी। उद्योगपति, तुमने गरीब के मुंह से निवाला छीना, तुमने कफन के पैसे छीन लिए, तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक। हम अपनी जनता की सेवा में लगे हैं, हमारा लक्ष्य हर वर्ग का कल्याण करना है। आप दिन रात मुझे गाली देते हैं, तुम्हारी कमलनाथ ही तुम्हें मुबारक। प्रदेश के खाली खजाने को लेकर शिवराज सिंह ने कहा मैं पैसे उधार ले लूंगा लेकिन जनता की परेशानी नहीं भुगने दूंगा। खजाना खाली है लेकिन आप चिंता ना करें, नेता वो नहीं जो रोता रहे। कांग्रेस के वचन पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने कहा कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का वचन पत्र है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपको जब सत्ता मिली तब आपने वादे नहीं निभाए। कमलनाथ को परदेसी बताते हुए शिवराज ने कहा ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। शिवराज सिंह ने पिछले 6 माह में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा 23 मार्च को मैं मुख्यमंत्री बना, उसके बाद से मैंने 6 माह में 24,000 करोड़ प्रदेश के विकास कार्यों के लिए दिए। सभा में प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद राज बहादुर सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन, राजेंद्र सिंह मोकलपुर, पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, सुधीर यादव के साथ कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित थे। सागर राहतगढ़ से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। नीचे बैठे हुए सभी साथी नेता पदाधिकारी का, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे भांजे आज जरा थोड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मैं भी शिवराज हूं, मेरे बेटा बेटियों, अरे अपन तो धूल में ही पैदा हुए हैं, गांव में गलियों में खेले और अस्पताल में भी जन्म नहीं भाव अपने तो घर में ही भाव कच्चे। मिट्टी और कीचड़ उछालने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता की बात नहीं। अरे अपना नारा तो भैया जेब में गड़ा है। कमलनाथ बता दे बापू नारा कंगल हो गए। चिंता मत करना मेरे पहन, विकास भी होगा और जनता का कल्याण भी होगा। 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के आपको दे देंगे, लेकिन एक ही बात है, ये तब होगा जब ये सरकार बनी रहेगी। बोले सरकार को बनी रहना चाहिए कि नहीं, एक स्वर में पीछे तक बताओ रहनी चाहिए कि नहीं, जोर से बोल बताओ रहनी चाहिए कि नहीं, मामा को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं। मामा तब रहेंगे जब ये गोविंद भैया रहेंगे। जय गोविंद, हम जय गोपालम, शिवराज तभी है जब गोविंद है। और ये जरूरी है कि गोविंद सिंह भी शान से जीते, अद्भुत नेता, जनता का सेवक, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और अकेले छोड़िए। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जी, हमारे राजेंद्र सिंह जी, दादा सुधीर, पूरी टीम ये इनके साथ खड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राहत और सुर्खी की तस्वीर भी बदलेंगे,
जनता की तकदीर भी बदलेंगे। और इसलिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बोलिए मिलेगा, पीछे तक जोर से बताओ आपका आशीर्वाद मिलेगा। और सुंदर भैया कमल का बटन दबेगा तो सीधा आपका वोट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मिलेगा गोविंद जी के साथ। तो बोलो गोविंद सिंह को जिताओगे, कमल का फूल की बटन दबाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, मामा को मुख्यमंत्री बनाए रखोगे, तो पीछे वहां तक जनता ही जनता नरमूल दिखाई दे रहे। भत्ता दिएंगे दिया जा, बेटियों को 51,000 शादी के देंगे ढेला धोखा। कितने गिना ये पन्ना है, पलट के देख रही हूं, मैं पढ़ू तो पूरी रात नहीं हो जाए, दूसरी जगह नहीं जा पाऊंगा। ये झूठ का दस्तावेज पत्रकार मित्रों देख लो, ये कांग्रेस का झूठा वचन पत्र। अब ये तो पूरा हुआ नहीं, एक एक पन्ना पढ़ सकते हो, कोई वादा पूरा नहीं किया। ये तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे। बंगाल में ढेला और मामा ने दे दिए 6 महीना में 24,028 करोड़ रुपया। तो जरा दिल से बताना मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा। ढांसले मार के वोट ले लें, ढेला नहीं डाल, जब देखो रोते ही रहे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अरे बताओ मुख्यमंत्री को रोते ना होना चाहिए क्या? अरे बताओ रोना चाहिए क्या? हमने जनता के विकास के काम भी किए। अभी मेरे बेटा बता रहे थे नंगा भूखा, पता नहीं आजकल काका कह रहे, पहले कह रहे शिवराज सिंह नालायक, बताओ भैया मैं नालायक हूं का? फिर कहने लगे शिवराज सिंह जेब में नारियल लेके घूमता है। अब भैया तुमने तो नहीं तो ढेला, तुमसे कोई नारियल फुड़वा दो, एक पैसा विकास के लिए गोविंद का दो कब, तो ढेला तो दो नहीं तुमने, तुमसे कौन, तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी नारियल फोड़ना, किस्मत कोई नहीं लिखा था। अब जो गोविंद ने मांगा हमने दे दिया, तो शिलान्यास कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, उस पर भी तकलीफ हो रही है कि नारियल लेके घूमता है। मैंने कहा नारियल लेके नहीं घूमू तो का शैंपेन की बोतल लेके घूमू का मरना। और हमारे संस्कार नारियल के देवी जी को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मामा के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथों पर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के दाएं बाएं सब जगह भैया बहनों तीर्थ यात्रा करवाई, तुम उद्योगपति तुमने बंद करवा दी, हम नंगे भूखे हमने बेटा बेटियों को लैपटॉप दिलवाए, तुमने वो लैपटॉप छीन लिए, तुमने स्मार्टफोन छीन लिए। कमलनाथ जी तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे उद्योग तुम्हें मुबारक हो, हम नंगे भूखे अच्छे हैं, हमें नंगे भूखे रहने दो ताकि अपनी जनता की जी जान से हम सेवा कर सके, दिनों रात हम सेवा कर सके, जनता को भगवान मान हम अपनी जनता की सेवा में लगे। और इसलिए आपके दर्द और आपकी तकलीफ जानते हैं, ये उद्योगों वाले क्या जाने, गरीब की कुटिया की क्या हालत है, किसान के खेत में सोयाबीन सूखता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। और तो मेरे बहनों और भाइयों हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा, जनता का कल्याण, और हर एक वर्ग का कल्याण किया है, सामान्य वर्ग हो पिछड़ा वर्ग हो। दादा लक्ष्मी नारायण संवैधानिक आयोग का दर्जा पिछड़े वर्ग आयोग को हमने देने का फैसला किया है, पिछड़े वर्ग के बेटा बेटियों को भी SC/ST के बराबर इसका आरक्षण देने का हमने फैसला किया है। हमने अल्पसंख्यक बेटा बेटियों को भी नहीं छोड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं छोड़ा, सबकी भलाई सबका कल्याण वो इनसे सहन नहीं होगा। और दिनों रात मुझे ही गाली देते रहते हैं, शिवराज के बिना काम ही नहीं चलता। अरे पत्रकार मित्रों जब तुम्हारे बगल में तुम उनके आने लगे, चले मैं शिवराज चढ़ी हूं, मैं कमलनाथ हूं, तेरी कमलनाथ ही तुझे मुबारक हो। मेरे बहनों और भाई हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश का विकास, प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। और अभी गोविंद सिंह राजपूत कह रहे थे 500 करोड़ रुपया, गोविंद सिंह जी अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये भारतीय जनता पार्टी का मैं विश्वास दिलाता हूं, पैसे की कमी है क्योंकि वो तो कहते थे मामला रुक लिया गया, मेरे पास पैसे नहीं, रोते ही रहते थे। आप बताओ अगर मुख्यमंत्री कहे मेरे पास पैसा ही नहीं है, रोते ही रहे, तो ऐसा मुख्यमंत्री अच्छा होता है क्या? मैं कहता हूं मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास कमी नहीं है।
ऐसी बात नहीं कि पैसे की कमी ना हो, ये बात सही है कि कोरोना के कारण खजाना खाली है, लेकिन चिंता मत करना मेरे गरीब भाइयों, मेरे किसान भाइयों, कहीं से लाना पड़े तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई नहीं रहने दूंगा, राहत भी दूंगा, मुआवजा भी दूंगा, फसल बीमा योजना भी दूंगा, संबल योजना भी जारी रखूंगा, गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक भी खिलवाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, उधार लेना पड़े तो लूंगा, लेकिन जनता को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। फिर तुमने कह दिया एक एक खाते का मार्ग वासी कर दिए साफ, गोविंद कहते रहे कि क्या कर रहे हो, मर जाएंगे, ये सब निकाल निकाल को जा रहे। उसके बाद एक और आदेश, एक ही बैंक में खाता है तो माफ बाकी साहब, 55,000 करोड़ की कर्जा माफी घटाते घटाते आ गई 6,000 करोड़ रुपए, पर मेरी पूरे नहीं जाए। गोविंद जी जानते हो 800 करोड़ तो कोऑपरेटिव बैंक के अपना नपन न भरे, प्रमाण पत्र पहाड़ दिए, पैसा दिए ही नहीं तो बैंक वाले कह रहे हम मर जाएंगे। 6,000 करोड़ में भी पूरे नहीं दिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। लेंगे किसान परेशान, उधार का तो नहीं लेंगे, लेके 4,000 बांटेंगे, कहां जाएगा किसान? मुख्यमंत्री कह रहे मेरे पास नहीं है पैसा। अरे नेता वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता बना के जनता को संकट से तार देता है पार। हमारी मिट्टी जानते हो, इस धरती को जानते हो? पता ही नहीं, कोई के कानपुर वाले, कोई के बंगाल वाले, और ये बंगाल का जादूगर बड़ा कमाल का है, कई वाले किए, आज वाले 75 धर दिया था। अब मैं पुराना वचन पत्र देख रहा था, कहो ये भैया पुरा गोविंद भैया ने तुमने पुराना वचन पत्र, अब कितनी बातें लिखी जा मेरा जरा देखो, 2 लाख का सबका कर्जा था, या कर्जा माफी की कहानी भी ऐसी है कि कहीं तो सबको माफ, और आदेश निकालो कि केवल अल्पकालीन खाद बीज का माफ, लाखों किसान कर दिए साफ। बताओ जाओ मामा हूं, चिंता मत करना, 4,688 करोड़ और 3,100 करोड़ कितने भाई भैया? अरे 7,000 के सुबह है तुम्हें, 7,788 करोड़। अब भैया जोड़ो और 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के नीचे कमलनाथ दादा, हमने 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के किसानों की तरफ से भरे और कितने हो गए? 8,588 करोड़। फिर भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू करी 6,000 रुपया साल 3 किस्तों में, कमलनाथ जी ने सब किसानों के नाम ही नहीं भेजे, शायद डिग्री राजा ने कह दिया होगा कि मोदी का नाम होगा मत भेजो, लाखों किसान वंचित रह गए। हमने 77 लाख नाम जोड़ दिए, 77 लाख और 5,346 करोड़ रुपया किसानों के खाते में या तो आ गए या 2 किस्तों में और आने वाले हैं। जोड़ो भैया 5,346 करोड़ कितने भाई? 5,346 और जोड़ो 13,928, मतलब 13,928, 13 ही नहीं है, 13,928 करोड़। फिर भैया हमने सोची मोदी जी तो 6,000 दे रहे हैं, शिवराज तू तो चौथी बार बन गए हो, 4,000 तो तुरंत ही डाल रहे तो हमने तय किया 2 किस्तों में 4,000 और डालेंगे। अब ये 4,000 हम डालेंगे तो ये 3,564 करोड़ और डालेंगे, तैयारी हो गई, गणना शुरू हो गया, सबके खाते में आएगा, तो 3,564 और जोड़ो जोड़ो बड्डे 17,928 करोड़। अब भैया फसलें खराब गई, पर की साल भी भई थी, कमलनाथ ने ढेरा धोखा, अरे जोर से बताओ धोखा, हमने पूरा सर्वे करवा लिया सोयाबीन की, उड़दा की भी कई जगह, और सुनो रे मेरे किसान भाइयों,
4000 करोड़ रुपया और खाते में डालने वाला हूं। 4000 करोड़ कितने हो गए बच्चे? 21928। 100 करोड़ दिया हार्टिकल्चर की फसल बीमा योजना के, कितने हो गए? 22028। और फसल बीमा योजना में अभी और जुड़ने वाले 10 लाख नाम छूट गए थे, तो मोदी जी और मेरे दो के मिला के हो जाएंगे 2000 करोड़, और कितने हो गए? 24028 करोड़। जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, मजाक नहीं कर रहा। भगवान के जनता की पूजा करते हैं तो हम नारियल लेके घूमेंगे, अब तुम जो लेके घूमना चाहो घूमो, हमें क्या लेना। फिर कहने लगे शिवराज सिंह चौहान तो कलाकार है, शाहरुख खान को मात कर दिया। मैंने कहा मेरी सूरत गत एक बार देखो कैसी है। कहते शाहरुख खान को मात कर दिया, कभी कहते सलमान खान को मात कर दिया। कमलनाथ जी ये बताओ तुम्हें शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस, ये क्यों याद आते हैं यार? गांव का गरीब धन्ना पन्ना लल्लू कल्ला मन्ना जुम्मन तुम्हें कब याद आता है क्या, ये बता दो। आईफा करवाएंगे आईफा, अरे चन्ना मन्ना तो देखे नहीं, आईफा करवाएंगे। ले आओ हीरो हीरोइन नाटक करवाओ। मैंने कहा कोई आईफा नहीं होगा, आईफा का पैसा गरीब किसान होते और गरीबों के इलाज में कोरोना के खर्चा हो। श्रीमान पंडित गोपाल भार्गव जी चुनाव अभियान समिति के हमारे प्रमुख, सुर्खी से जिनका गहरा गिरा के, ऐसे मेरे मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह। आदरणीय गोविंद सिंह जी देखो भाई, अपने आप बुंदेलखंड के रहने वाले, ताली माली बजे तो जरा धना धन ऐसी बजे कि चारों तरफ घूम जाए। ताली बजाओ रहे, घंटा बजाओ रहे, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता दादा लक्ष्मीनाथ, पूछ पकड़ के घूम रहे कमलनाथ, कर जा माफ, कर जा माफ, कर जा माफ। क्या कमाल है कमलनाथ, बड़ा फिर नया वचन पत्र दे दिया। ये वचन पत्र पुराना, कर्जा माफी का हाल मैंने सुना दिया। अब 400 उदाहरण दे दूं मैं आपको। एक और लिखा था इसमें, गेहूं धान ज्वार बाजरा मक्का सोयाबीन सरसों कपास उड़दा लहसुन प्याज टमाटर गन्ना सब पर बोनस दिया जाएगा किसानों को। एक पैसा भैया बोनस मिलोगा? अरे जोर से बोलो यार, बात कर रहे मिलोगा? बड्डे बोलो यार, ऐसे काम नहीं करते, भेड़ा नहीं था। और फिर जहां में लिखिए नई फसल बीमा योजना, जिसकी इकाई खेत रहेगी हर किसान रहेगा, बनाई क्या? अरे फिर जोर से बोलो बनाई का। फिर लिख दिया नई फसल आने के पहले फसल क्लेम का वितरण करेंगे, ढेला दिया क्या? फसल बीमा योजना कल आप ग्राम सभा के अनुशंसा पर देंगे, कभी ग्राम सभा से पूछा क्या? बिना कर्ज खेती वाले किसान को भी बीमा योजना से जोड़ेंगे, जोड़ी क्या? नौजवान स्वर्ग जमीन से उतार लाएंगे। कांच की हंडी भैया कमलनाथ, एक ही बार चढ़े रे, बार बार नहीं चढ़ते, फिर झूठ बोल रहे। और सरकार गिर गिर ऐसे बौखलाए हुए हैं, मामा कहां से आ गया, 13 साल से छाती से मुंह गल रहा था, खड़ा ही बन गया। और दाद पीर पीस के गोविंद भैया कोस रहे हैं, इनमें कुछ नहीं किया, इनमें धोखा दिया, क्यों सरकार के लिए? वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए। गोविंद सिंह राजपूत बैठे, एक नए पैसे का विकास का काम किया जा सुर्खी विधानसभा में, बताओ आप सब बुढ़िया किया जा? ढेला का काम नहीं किया। और मैं बता रहा हूं 6 महीना में कोई गरीब जोड़ गरीब वाला है कोई जोड़ जोड़ लगा ले, जो एक बार भैया जोड़ लगाना, कोई लगाएगा क्या? अच्छी गलत कौन की आप लगा रहे भैया? सुनो, 23 मार्च को मैं मुख्यमंत्री बना, हमने देखी फाइल खोल के, कमलनाथ जी ने गजब कर दिया, 2200 करोड़ रुपया
फसल बीमा योजना का प्रीमियम किसानों का जमा ही नहीं किया 2018 का, तो ढेरा नहीं मिला किसानों को फसल बीमा योजना का। हमने 2200 करोड़ रुपया जमा करके और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवाया 29 मार्च को। फिर 2019 की फसल बीमा योजना, उसका प्रीमियम जमा नहीं किया, तो वो प्रीमियम जमा करके 4628 करोड़ रुपया 22 लाख किसानों के खाते में और डाला। कजू किसान रह गए, अरे वो रोया, जादू है कि नहीं। और फिर दूसरा आदेश निकाला कि मार्च 2018 तक वालों का माफ, दिसंबर तक वाले कर दिए साफ, फिर लाखों बाहर कर दिए। फिर बंगाल का जादू देखो, कह दिया कि केवल कालातीत माफ, चालू खाते वाले कर दिए साफ, मर गए बेचारे डिफाल्टर, हो के बैठे। तमाशा करने के लिए मुख्यमंत्री बने, ये शिवराज महंगा भूटा है। कमलनाथ जी, हम इसी धरती पर पैदा हुए हैं, इसी माटी में हमने जन्म लिया है और मरेंगे तो अंतिम संस्कार भी इसी धरती पर होगा, और मरने के बाद अगर हमारी रात भी बिखरेगी तो इसी मध्य प्रदेश की धरती पर बिखरेगी। तुम उद्योगपति हो, तुम्हारे उद्योग तुम्हें मुबारक। हाँ, हम नंगे भूखे और हम नंगे भूखे, इंडिया ने किसान को 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू किया। आज नवरात्रि का पहला दिन, मेरी बहनों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, हम नंगे भूखे हैं, हमने बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, और तुम उद्योगपति, तुमने मेरी योजना को ठंडे बस्ते में पटक दिया। हाँ, हम नंगे भूखे हैं, हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, और तुम उद्योगपति अमीर 51,000 के पानी टैंक संस्कार तो करवा दिया, लेकिन ढेला नहीं दिए तुमने, ढेला नहीं दिए। तुम उद्योगपति हो, मैं नंगा भूटा, मेरी बहनें आ जाए बैठी, मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 संबल योजना में इसलिए दिए कि गरीब बहन भी लड़ुआ खा ले। ए उद्योगपति, तूने तो गरीब बहनों के मुंह से लड़ुआ भी छीन लिया, ब्याज पे कर्जा नहीं मिला, ब्याज भर रहे हैं। अब मैं कहीं जाता हूं, कहते मामा मर गए रे, ब्याज तो क्या करें, तो चिंता मत करो रे कमलनाथ, तुमने ब्याज की गठरी किसानों के सर पर रखी है, मामा इस ब्याज की गठिया को उतारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुन लो मेरे बेटा बेटियों, मैंने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि जितने बच्चे, चाहे सामान्य वर्ग क्यों, पिछड़े वर्ग क्यों, अल्पसंख्यक हो, ST ST हो, अगर अच्छे नंबर लेके आएंगे और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, तो 4-6-8 लाख रुपया फीस होती है, गरीब और किसान नहीं भरवा सकता। इसलिए मैंने कहा, तुम्हारे माता पिता ये फीस नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान ये फीस भरवाए। हम नहीं बूटे, हमने फीस भरवाना शुरू किया, और तू उद्योगपति, तूने ये फीस भरवाना बंद कर दी। हम नंगे भूखे हैं, हमने एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाए, 4 लाख रुपए मेरी विधवा बहन को दिया ताकि जिंदगी पहाड़ ना बन जाए, जिंदगी की गाड़ी चल जाए, और उद्योगपति, तूने वो 4 लाख रुपया बहनों के छीन लिए। हम नंगे भूखे, सामान्य मौत के हमने 2 लाख दिए, तुम उद्योगपति हो, तुमने वो 2 लाख भी छीन लिए। हम नंगे भूखे हैं, हमने कफन दफन और अंतिम संस्कार के लिए गरीब को 5,000 रुपया मौत पर भिजवाए। हे उद्योगपति, तुमने तो कफन के भी 5,000 गरीब के छीन लिए, कफन के भी 5,000 छीन लिए। मामा हूं, चिंता मत करना, 4,688 करोड़ और 3,100 करोड़ कितने भाई भैया? अरे 7,000 के तू गए हैं तुम्हें, 7,788 करोड़। अब भैया जोड़ो और 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के नीचे कमलनाथ दादा, हमने 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के किसानों की तरफ से भरे, और कितने हो गए? 8,588 करोड़। फिर भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
किसान सम्मान निधि शुरू करी 6000 रुपए साल 3 किस्तों में। कमलनाथ जी ने सब किसानों के नाम ही नहीं भेजे, शायद दिग्गी राजा ने कह दिया होगा कि मोदी का नाम होगा मत भेजो। लाखों किसान वंचित रह गए। हमने 77 लाख नाम जोड़ दिए, 77 लाख और 5,340 करोड़ रुपया किसानों के खाते में या तो आ गए या दो किस्तों में और आने वाले हैं। जोड़ो भैया 5,340 करोड़ कितने भाई, 5,340 और जो 13,928 मतलब 13,928 तेरह ही नहीं है, 13,928 करोड़। फिर भैया हमने सोची मोदी जी तो 6,000 दे रहे हैं, शिवराज तू तो चौथी बार बन गए, 4,000 तो तुरंत ही डाल रहे। तो हमने तय किया दो किस्तों में 4,000 और डालेंगे। अब ये 4,000 हम डालेंगे तो ये 3,564 करोड़ और डालेंगे, तैयारी हो गई, गन्ना शुरू हो गया, सबके खाते में आएगा। तो 3,564 और जोड़ो जोड़ो बड्डे 17,928 करो। अब भैया फसलें खराब गई, पर की साल भी वही थी, कमलनाथ ने ढेला धोखा। अरे जोर से बताओ धोखा। हमने पूरा सर्वे करवा लिया सोयाबीन की, उड़दा की भी कई जगह। और सुनो रे मेरे किसान भाइयों, 4,000 करोड़ रुपया और खाते में डालने वाला हूं, 4,000 करोड़। कितने हो गए बड्डे 21,928। 100 करोड़ दिया हॉर्टिकल्चर की फसल बीमा योजना के, कितने हो गए 22,028। और फसल बीमा योजना में अभी और जुड़ने वाले 10 लाख नाम छूट गए थे, तो मोदी जी और मेरे दो के मिला के हो जाएंगे 2,000 करोड़। और कितने हो गए 24,028 करोड़। जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, मजाक नहीं कर रहा। भारत माता की, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।